हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीताज क्रिएशंस। आज हम देखेंगे कि हम एक ही सिंगोनियम प्लांट से मल्टीपल प्लांट कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्लांट के नीचे काफ़ी सारी नोट्स निकल गई हैं, तो जहाँ नोट्स निकलती हैं हम उसके नीचे से कट कर लेंगे प्लांट को, क्योंकि यहीं से रूट्स निकलेंगी। अब मैंने इसे लगाने के लिए एक पुरानी बाल्टी ली है जिसमें मैंने मिट्टी भर के रखी हुई थी। तो जब भी आप किसी भी पॉट में प्लांट लगाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि उसमें अच्छे खासे होल्स हों ताकि वाटर लॉगिंग ना हो। अब यहाँ पर मैंने गार्डन सॉइल में गोबर खाद मिक्स की है और उसी के साथ ये सरसों की खली, नीम खली और बोन मील थोड़ी सी ऐड की है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम सॉइल प्रिपेयर करेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक ट्रे से बना हुआ पल्प यूज़ किया है। इससे एक तो नमी भी बनी रहेगी प्लांट में और हमें पानी भी कम डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने इसे बिछा लिया नीचे और फिर जो हमने सॉइल प्रिपेयर की थी वो डाल दी। सिंघोनिया मेरा फेवरेट प्लांट है। एक तो ये देखभाल भी कम मांगता है और सुंदर भी काफ़ी लगता है। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बकेट तो देखने में अच्छी नहीं है, तो मैंने क्या किया कि मेरी बेटी की पुरानी टी शर्ट्स रखी हुई थी और वो छोटी भी हो गई थी, तो मैंने उस बकेट को वो टी शर्ट पहना दी। और ये मैंने प्लांट लगाने से पहले कर दिया क्योंकि फिर वो प्लांटर हैवी हो जाता। तो आप देख सकते हैं प्लांट रेडी हो गया, मैंने लगा लिया है। अब आप देख सकते हैं कि एक स्टेम में नोट्स फिर दिखाई दे रही हैं, तो मैंने उस स्टेम को नोट्स के नीचे से कट कर दिया ताकि मैं इसका एक और प्लांट रेडी कर सकूं। जब भी हम प्लांट को कट करेंगे तो हम 45 डिग्री पर कट करेंगे। अब मैंने इसके लिए एक छोटा प्लांटर यूज़ किया है जो कि मैंने ऑयल केन से बनाया था, क्योंकि ये छोटा प्लांट है तो उसके लिए ये साइज़ सही रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने एक ही प्लांट से दो प्लांट्स और बना लिए। एक इंडोर प्लांट है तो मैंने इसे सेमी शेड वाली जगह पर रखा है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।